मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनता ने एमपी के विकास को सुचारू रखने के लिए और विकसित एमपी सहित स्वर्णिम एमपी के संकल्प के लिए हमें आशीर्वाद दिया है। हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। उन्होंने बीजेपी के हर कार्यकर्ता को मेरा बूथ सबसे मजबूत के लिए बधाई दी। साथ ही कहा कि गरीबों के कल्याण और विकास के काम के लिए जनता ने बीजेपी का साथ दिया है। इसके अलावा उन्होंने जीते हुए सभी विधायकों को बधाई दी। वहीं कम वोटों से हारे हुए बीजेपी प्रत्याशी के लिए कहा कि वे निराश न हो, प्रत्याशियों के साथ बीजेपी है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी नया अभियान हर बूथ पर मोदी चलाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण की योजनाएं, जो हर गरीब का जीवन बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो विकास और गरीब कल्याण का काम किया है, उस विकास और गरीब कल्याण की गति को सुचारू बनाए रखने के लिए विकसित मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी का है, उस संकल्प को जनता ने आशीर्वाद दिया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल कहा कि जनता का संकल्प ही उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका निभाने का काम देश के अंदर कर रही है, प्रदेश के अंदर हम कर रहे हैं। तो इसलिए जनता का बहुत हृदय से अभिनंदन। हम जनता की आकांक्षाएं अपेक्षाओं पर भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है वो लगातार खरी उतरी हैं और हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के अंदर जनता ने जो आशीर्वाद दिया है तो जनता की उन आकांक्षाओं अपेक्षाओं पर भी खरे उतरने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती आई हैं और करती रहेंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अथक मेहनत प्रत्येक बूथ पर